हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेके आया हूँ इंट्रीम बजट 2024 थाउजेंड ट्वेंटी सो वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया फॉर आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24 इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस टू पे करना होगा थ्रू यू यानी फोन पे जी या पे से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सए नंबर पे भेज देना मेरा वो व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और देखो बी एड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचा टू का भी क्लास शुरू हो रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले यानी फर्स्ट मंथ का टू हंड्रेड पे करके रजिस्टर हो जाइए उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा जल्दी से ही सो सेम प्रोसेस से है टू हंड्रेड रुपीज़ देने का थ्रू यूपीआई सो आप लोग जो लोग मतलब इंटरेस्टेड साथ ही साथ एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो पे करके ग्रुप में ज्वाइन कर लो सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन

ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ऑप्शन सी हरियाणा ऑप्शन डी राजस्थान सो इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश ये याद रखना क्वेश्चन नंबर थ्री आर बी आई हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू इम्पोज न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन हिच पेमेंट बैंक सो कौन से पेमेंट बैंक के ऊपर न्यू रेस्ट्रिक्शन मतलब लगाया आर बी आई ने ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक ऑप्शन डी जियो पेमेंट बैंक इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी पेटीएम पेमेंट बैंक ये याद रखना क्वेश्चन नंबर फोर व्हेन इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन ए थर्टी जनवरी ऑप्शन बी थर्टी फर्स्ट जनवरी ऑप्शन सी फर्स्ट फरवरी ऑप्शन डी सेकेंड फरवरी सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी फर्स्ट फरवरी सो कोस्ट गार्ड डे फर्स्ट फरवरी नाइनटीन सेवेंटी एट से मनाया जा रहा है सो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट फरवरी 1977 ये याद रखना और इसमें एक क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग बजट से था और बाकी करंट अफेयर्स से ही है सो so, ये यस्टरडे का करंट अफेयर्स है सो so, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना क्वेश्चन नंबर फाइव व्हिच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन गिवेन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट ऑप्शन बी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ऑप्शन सी सूरत एयरपोर्ट ऑप्शन डी जोरहाट एयरपोर्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी सूरत एयरपोर्ट सो so, सूरत गुजरात पे है ये याद रखना क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ये थर्ड टाइम है कह सकते हैं जिनको रीअपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ए सी सी कपिल देव सौरभ गांगुली जय शाह या रोजार बिनी इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी जय शाह ये मीटिंग बाली में हुआ था ये भी याद रखना सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो थैंक यू सो मच